कैमरा लगा हुआ पटना का ट्रिप का पॉपकॉर्न खा लो गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो भीड़ देखो कितना ज्यादा भीड़। सो हे हाय लोग, गुड इवनिंग गाइस, प्रियांशु और आप देख रहे हो नवता व्लॉग्स। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग देख सकते हो, फिलहाल अभी हम लोग ट्रैवलिंग रूट पे, जैसे कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है और आप लोग को भेड़ी भेड़ी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, पर इग्नोर करो। सो गाइस चलो पॉइंट पे आते हैं, सीधा आ जाए गदर 2 का हम लोग का टिकट बुकिंग। हम लोग जा रहे हैं गदर 2 देखने के लिए, साथ में अभिजीत, हमको छोड़ो नहीं, टिंकू है मैनेजर अपना, इसका दांते तो चमकता ना, कहा जाता है मुंह धोता है ना, पीछे मनीष भी है और दीदी छोटी साथ में पीछे स्कूटी से आ रही है गाइस। तो गाइस देखो उधर दीदी का ये पेट्रोल लाइन है। हम लोग यहाँ से सीधा मेन रोड पर निकल रहे हैं क्योंकि अपने 10:10 का शो है, फिलहाल हो चुका है 9:30। गाली नहीं गाइस, गाली म्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है गलती से। गाइस ये सामने जितना आपको लाइट दिख रहा है ना, ये ब्रिज के ऊपर ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, 2 दिन बस गाइस, 15 अगस्त तक 17 अगस्त को मैं आऊंगा यहीं पे पुल पे दिखाऊंगा। आधा ज्यादा लाइट खराब हो चुका होगा, जो जो थोड़ा बहुत बच्चे लगा वो गायब हो गया होगा, जो बचा हुआ घर आएगा लिख के लेना अपने से। आधा तो अभी खराब हो गया, देखो जल ही नहीं रहा, जल ही नहीं रहा, देखो लाल चचा, ओ चचा कई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी हो गया 9:40, अपना मूवी है 10:15 का, अभी अपने पास है टोटल 35 मिनट। कौन खा सा रहा है कोरोना का मरीज। गाइस अब ये देखो कार चल रहा है ऑलमोस्ट 80 के स्पीड में, सामने दीदी उतना तेज जा रही है, गेस कर सकते हो उसका स्पीड 70+ होगा, कितना भी कम तो 70+ होगा पक्का। देखो 80+ चल रहा है फिर भी पीट नहीं कर पा रहे। देखो अभी हम एग्जैक्ट आपको स्पीड बताने वाले दीदी के, गाइस रुक जाओ, एग्जैक्ट स्पीड देखो 100 पहुंचने वाला गाड़ी, नहीं तो 100 पे तो नहीं चल रहा होगा। हाँ ब्रेक लग गया, देखो हमसे धीरे धीरे चल, उबियाओ मत, बैगनवा ज्यादा छा धरा है, गजब बेइज्जती है। हेलमेट उतर गया, हेलमेट उतर गया, कैमरा लगा हुआ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं उन लोग को, कोई बात नहीं। और गाइज मैं अपने फ़ोन से इसलिए व्लॉग नहीं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में देख लो अब सिर्फ 22% बैटरी बचा हुआ, तो आधे रास्ते में ही बंद हो जाएगा। एक फोकस लेना, ले लिया, देखो इससे क्या लेना देना है। गांधी मैदान देखो, उद्योग भवन के बगल में, बगल में रीजेंट सिनेमा हॉल है। चलो पहले नीचे देख के रोड क्रॉस करते हैं। अभिजीत के फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी में टिकट है, तो पहले वो टोकन लेके आते तब तक मैं वेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। टिंगो लो, इससे पहले उनको टोकन लेने के लिए बोलो, टिकट वाला लेने के लिए बोलो, हम बाहर तो गाइस हमको परफेक्ट सीट मिला, देखो आराम से पैर फैलाओ ऐसे बैठ जाओ, अपना पूरा 7 सीट दिखाते हैं। प्रिंस कॉल कर रहा है, प्रिंस ब्लॉग में देख लेना कि ऊपर नहीं उठा रहे, देखो सामने बैठे हुए। खुदा कसम सौंदर्य पार कर जाऊंगी, मैं नहीं मानता। आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का,
आप है बेहद हसी, मगर नाम क्या है? अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नफरत उफान मारी मगर ये सब इतना आसान नहीं था। मूवी का इतना गंदा रिएक्शन आप लोग को पड़ा कि मेरा नाम मोहम्मद हामिद इकबाल रख दिया गया है। गाइस क्या बोले, हम हामिद इकबाल जैसे लगते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम साहब, हम बॉलीवुड, हम हामिद इकबाल नहीं है पहले बता रहे हैं, हामिद इकबाल सब बोलिए। लेकिन नाम चेंज कर रहे गाइस ये आदमी। मूवी का खाना है, मूवी का गंदा रिएक्शन पड़ गया। मोटी कुछ बोलना चाहोगी, मूवी कैसा लगा आप में इंटरमिशन में, मतलब हाफ अभी खत्म हो गया, कैसा लगा मूवी? हमारा बोरिंग लगा, सेकंड पार्ट में ज्यादा मजा आने वाला, जस्ट बिकॉज कि सनी देओल जाकर बूम बम करेगा। यो अभी तो बोरिंग, वो मुस्कान मुस्कान का आशिक का मुस्कान के दोनों के काम। अरे क्या वो लाइन मारा था, मतलब अल्लाह की बंदी अब भूख जान नाम में मारा मुस्कान, क्या लाइन था वो लाइन है, वो मस्त लगा। बाकी सब ठीक है, अब पार्ट थ्री में यही बनाएगा, ठीक है? अब मुस्कान का और सनी देओल का बेटा जीत का बाल बच्चा होगा, वो पार्ट थ्री बनाएगा, फिर पाकिस्तान जाएगा, फिर दूसरा पटाके लाएगा, यही पार्ट थ्री में होगा। So guys, चलो इंटरमिशन में बस थोड़ा बहुत मजा आया, अब सेकंड पार्ट में ज्यादा मजा आएगा। फ्लिप का पॉपकॉर्न खा लो गाइस, इनका दोस्त मिल गया, उन्हीं के हाथ में से हाथ मार लिया पॉपकॉर्न का। बारिटा बेटा कौन खाने जाएगा? ओ हो, फिल्म की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की नहीं। जाओ गाइस, कहाँ नजर है देख लो, देख मोटी कहाँ कहाँ नजर है देख लो, हम रिकॉर्ड कर लो, ब्लॉग में देख लिया बाद में। अब स्टार्ट होने वाला मूवी, चलो भाई जब सीधा फाइनल खत्म होता है, मूवी खत्म होने के बाद कुछ मेन मेन सीन दिखाएं, क्योंकि ज़्यादा दिखाया था कॉपीराइट आने का डर है, इसे बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। कौन उस सबको क्या बता, चलो भाई बाय। और इधर भगवत गीता, दोनों में फर्क क्या है? एक गाइस अभी तक चार फोन बंद हो चुका है, इनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया, मेरा फोन भी स्विच ऑफ, दीदी का भी स्विच ऑफ, छोटी का भी, सुजीत के फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बस छोटा सा क्लिप देख लो क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा ज्यादा। मैनेजर जिंदाबाद। आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी हो। सो हे गाइस, करीब करीब 2 बजे तक हम लोग रूम पे आ गए थे, 2:10, 2:12 तक। उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके अभी टाइम हो रहा है 3:18, अब हो गया 16 अगस्त। सो गाइस, फिल्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने पूरी फिल्म देखी, स्टार्टिंग का तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया, पर वो जो मुस्कान और जीत का लव स्टोरी था ना, केमिस्ट्री था ना, हाय दिल जीत लिया। तो मुझे तो बस एक ही सीख मिली, ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, कुछ हो या ना हो, पर एक मुस्कान जैसी लड़की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है यार, जो अपने प्यार के लिए अपना धर्म छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, पर अपने प्यार को ना छोड़े। मुसीबत में थे दोनों तो साथ खड़े रहे, छोड़े नहीं लास्ट दम तक, यार क्या करेक्टर थी। मैं यहाँ वहाँ से आके फिल्म के बारे में एक भी कोई कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, पर मेरे स्टोरी में मुस्कान और जीत दोनों की लव स्टोरी का जो केमिस्ट्री था ना, मैंने अपलोड किया। सो हे गाइस, हम लोग वीडियो देखने गए थे, मूवी देखने गए थे 15 अगस्त को। सॉरी, कल बारिश में बहुत ज़्यादा भींग गया ना, उसके चलते मेरा पूरा तबीयत कल से ख़राब है, देख रहा हूँ पूरा रेड हो रखा है, पूरा फीवर से मेरा शरीर जल रहा था कल, अभी तो दवा खाया हूँ तो थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। चलो बात करते हैं वीडियो का।
तो वीडियो का सीन ही हुआ इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि वीडियो सुजीत के फ़ोन में, दीदी के फ़ोन में, अभिजीत के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में, चारों फ़ोन में थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। सबको एक जगह लाने में, करने में बहुत टाइम चला गया। सो आज मैं पर्सनली बैठ कर एडिटिंग कर रहा हूँ कि आज तो अपलोड करना ही करना है, पर आधा अपलोड कर रखा था तो किस्मत ख़राब, क्या बोलूँ, गुलगुल पूरा पार्ट ही कट कर दी, तो फिर मुझे दोबारा से एडिट करना पड़ गया। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दबा देना, नहीं भी पसंद आया फिर भी दबा देना यार, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ और धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी डाउन होते जा रहे हैं। पहले वीडियो पे 8,000, 4,000, 5,000 व्यू चले जाते थे, अब तो 100-200 मुश्किल हो गया। कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँ, बस कोशिश ही करूँगा क्योंकि हर बार बोलता हूँ और वीडियो इतना लेट आता है क्या बताऊँ। चलो गाइस मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। देखो गाइस बारिश कितना तेज हो गया, मेरा भीगने का बहुत गंदा वाला मन कर रहा है, पर दो दिन से इतना गंदा फीवर लगा हुआ, हिम्मत नहीं बचा हुआ। मामा गया तेल लेवे, इतना गंदा फीवर लगा हुआ, हिम्मत नहीं कर रहा कि जाके भीग, अभी नहीं भीग रहा भाई, मेरी हिम्मत टूट चुकी है ना भाई। कल रात में क्या फीवर से हम जले, अभी तक मेरा शक्ल देख लो आप। हाँ बोलो ना, इसको पकड़िए, इसको पकड़े क्यों, शॉर्ट करने के लिए। ए भाई मरना नहीं हमको, अभी ऐसा निकलना है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ब्लॉग बंद करना। चलो गाइस बस इतना ही था, मिलते हैं बाय अगली वीडियो में, लाइक कर देना। राजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर राजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी।